सपोर्ट के अंदर क्वेश्चन दैट टेस्ट योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर एन असर्शन सपोर्ट्स आर अंडरमाइंस एन आर्गुमेंट। वो क्वेश्चन जो आपकी इस सलाहियत को चेक करते हैं कि क्या आप जो है वो किसी चीज की हमायत को या अंडरमाइन या उसको जो चीज गलत साबित करती है जो उसकी हैसियत को कम करती है, अंडरमाइन करना हैसियत को कम करना और सपोर्ट उसकी हमायत करना, उसको जज कर सके। इसका मतलब जो सपोर्ट का क्वेश्चन है ये दो तरह का होता है, एक वो जो उस मकसद की उस मौकफ की हमायत कर रहा होता है और दूसरा वो जो उस मौकफ की मुखालफत कर रहा होता है। अल्फाज क्या होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू बेस्ट सपोर्ट्स द ऑथर्स कंक्लूजन, इनमें से कौन सी बात है जो मुसन्नफ के नतीजे को सही तरीके से बयान करती है और सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स यानी उसने जो नतीजा निकाला है उसको ये सपोर्ट कर रही है, उसकी हमायत कर रही है। तो हमायत में क्या हो सकता है कि बस उसने कुछ हकायक बता के एक नतीजा निकाला, कोई और नई बात आ गई है, आगे अगर वो भी उसके इलम में होती या जो सुनने वाला है उसके इलम में होगी तो वो उसके कंक्लूजन को और ज्यादा सही समझेगा। नया फैक्ट है जो उसने नहीं बताया, ये क्या होगा, एक नई हकीकत होगी जो उसने नहीं बताई, लेकिन ऐसी हकीकत होगी कि उसके नतीजे की हमायत कर रही होगी कि ये मालूम होने से आप हम कहेंगे नहीं यार वो सही कह रहा था, पहले अगर हम डाउटेड भी थे तो अब हम क्या कह समझेंगे कि नहीं उसकी बात क्या थी सही। दूसरा स्टाइल इसके क्वेश्चन का, विच ऑफ फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकेंड्स द ऑथर्स कंक्लूजन, इनमें से कौन सी बात ऐसी है कि अगर वो दुरुस्त हो तो ऑथर के कंक्लूजन को वीकन करेगी, वीक करना कमजोर करना अंडरमाइन करना कमजोर करना उसकी अहमियत को घटाना, तो ये गोया उल्टा है, बजाय उसकी हमायत करने के क्या जाएगा उसके अगेंस्ट जाएगा। तो इन दोनों के लिए हम लफ्ज़ सपोर्ट ही बोलते हैं क्योंकि एक सपोर्ट है तो दूसरा क्या है एंटी सपोर्ट है। अगली टाइप है आर्गुमेंट एवेल्युएशन, यानी ये जायजा लेना कि जो आपका आर्गुमेंट दिया हुआ है वो कितना ठीक है, यानी उसने फैक्ट्स भी दे दिए कंक्लूजन भी दे दिया लेकिन हो सकता है वो कंक्लूजन बनता ही ना हो, उसमें किसी चीज की कमी हो किसी चीज की खामी हो, उसके बगैर आप फैसला ना कर सकते हो। जैसे उसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर एक स्कूल का रिजल्ट आया है मैट्रिक का और आपको पता चलता है कि जनाब जो सेक्शन ए है उसमें से 30 स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया और जो सेक्शन बी है उसमें से 50 लोगों ने ए ग्रेड लिया, तो ये सुन के एक बंदा कहता है कि इसका मतलब सेक्शन बी वाले जो तलबा थे वो ज्यादा ज़हीन थे या उसके जो असातज़ा थे वो ज्यादा काबिल थे कि उन्होंने ये नतीजा दिखाया है, तो सेक्शन ए वालों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, उनके सिर्फ 30 ए ग्रेड है, तो ये नतीजा निकालना असल में गलत है। इसलिए कि जब तक आपको ये ना पता हो कि दोनों सेक्शन में कुल तलबा की तादाद क्या थी तो आप सही फैसला नहीं कर सकते, तो सिर्फ उन इंफॉर्मेशन की बेस पे निकाले हुए रिजल्ट में क्या है खामी मौजूद है, ये है आर्गुमेंट एवेल्युएशन। कि अगर पता चलता है वो 30 ए वालों की टोटल तादाद ही 60 थी तो गोया आधे तलबा ने ए ग्रेड ले लिया, और जिसके 50 है उनकी सेक्शन की तादाद 120 थी तो गोया आधे से कम तलबा ने ए ग्रेड लिया, तो फिर मामला तो खराब हो गया। तो ऐसी हकीकतें, हाँ यही उसकी बजाय परसेंटेज में हमें बताया गया होता कि एक सेक्शन के 30% तलबा ने ए ग्रेड लिया और दूसरे सेक्शन के 50% तलबा ने, तो फिर हम नतीजा वाकई पहले दफा ही निकाल सकते थे तादाद को मालूम किए बगैर, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो क्या करती है तादाद को बराबर कर देती है, दोनों की टोटल तादाद को 100,000 कर देती है। तो ये आर्गुमेंट एवेल्युएशन, अल्फाज किस तरह से वो दे सकता है, Which of the following identifies a flaw in speaker's reasoning? के स्पीकर ने यानी गुफ्तगु करने वाले ने जो बोला है जो दलाइल दी है उनमें क्या खामी है, तो लफ्ज फ्लॉ आ जाएगा। दूसरा, which of the following would be most important to know when evaluating the accuracy of the argument above? ऊपर वाले आर्गुमेंट की दुरुस्तगी को जब हम जांच रहे हों तो इनमें से कौन सी बात का मालूम होना जरूरी है, यानी ऊपर किन मालूमात की कमी है, जब तक वो मालूमात नहीं हमारे सामने आएंगी तो हम सही नतीजा नहीं निकाल सकेंगे